तो हेलो गाइस, अगर आप लोग भी 1000 के नीचे या फिर 1000 के आसपास एक बढ़िया ट्रिमर ढूंढ रहे हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। आपको पूरी डिटेल मिलेगी। एक सबसे बढ़िया ट्रिमर मैं आपके सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो है फिलिप्स ट्रिमर BT3101। जी हाँ, ये फिलिप्स की सीरीज 3000 है, जिसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स इस ट्रिमर के बारे में आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्यों आपको यही ट्रिमर लेना चाहिए अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ के आसपास है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं अपने इस ट्रिमर को। तो चलिए पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें बॉक्स के साथ क्या क्या मिल जाता है। मुझे जो फ्लिपकार्ट की तरफ से इसका बॉक्स मिला है वो पहले से ही थोड़ा सा डैमेज था। तो ये है कुछ ज्ञान की बातें जिसे हम साइड में रखते हैं। गाइज, इसमें आपको 3 साल की वारंटी तो मिल ही जाती है, लेकिन उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा ईयर की वारंटी को अनलॉक कर सकते हो वेबसाइट पर विजिट करके। और ये आपको इसमें चार्जिंग केबल मिल जाती है MicroSP Type-B। वैसे तो आपको इसमें एक ब्रश भी मिल जाती है, लेकिन इंडियंस अपना काम फूंक मार के चला लेते हैं। तो गाइज, ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। मैंने ऑर्डर किया है वाइट एंड ब्लैक कलर में। एक और कलर ऑप्शन है जो है मैरून एंड ब्लैक। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको पसंद आए तो जाके परचेस कर सकते हो। तो गाइज, इसमें आपको 10 लेंथ सेटिंग मिल जाती है। प्लास्टिक क्वालिटी आपको इसमें थोड़ी सी हार्ड मिल जाती है। ओनली कॉर्डलेस यूज़ है, यानी कि आप इसे चार्जिंग में लगाकर यूज़ नहीं कर सकते। आपको पहले इसे चार्ज करना होगा, फिर ही आप इसे यूज़ कर सकते हो। बाकी 10 घंटे चार्ज करने के बाद आप इसे 1 घंटे यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा रन टाइम आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की वॉशेबल ब्लेड्स भी मिल जाती है। ऊपर की साइड सेंटर में आपको इसमें एक पावर बटन मिल जाता है। तो स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। प्राइस की बात करें तो आपको इसमें MRP मिल जाता है 1495 रुपीज़ का। बाकी मुझे फ्लिपकार्ट पे 1200 रुपीज़ का मिला है, तो आप देख सकते हो आपको ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको इसमें चार्जिंग जैक मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे भी इसमें अच्छी नहीं लगी, वो है कि इसमें आपको कोई भी लाइट इंडिकेटर नहीं मिलता। तो चार्जिंग कब फुल हो रही है कब ख़त्म हो रही है कोई पता नहीं चलेगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडर 1000 रुपीज़ यही ट्रिमर आपको क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात है रन टाइम। आपको इसमें 60 मिनट्स का रन टाइम मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ट्रिमर्स जो आपको अंडर 1000 रुपीज़ मिल जाते हैं। उसमें आपको 30 मिनट्स का रन टाइम मिलता है, लेकिन इसमें आपको 1 आवर का रन टाइम मिल रहा है। तो ये ट्रिमर आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि आपको इसमें 10 लेंथ सेटिंग मिल रही है। बाकी मैंने जितने भी ट्रिमर्स अंडर 1000 रुपीज़ देखे हैं उसमें आपको 2 या 3 लेंथ सेटिंग मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको मिल रही है 10 लेंथ सेटिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और ये ट्रिमर और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।